मेक मी शोभना में आपका स्वागत है। आज बनाएंगे ब्रेड पनीर रोल। उसके लिए हमें चाहिए हरी चटनी, मैंने बना के रखी है धनिया और हरी मिर्ची की, वो भी डालेंगे। और जो पनीर है उसमें मैंने उसको कद्दूकस करके मैश कर, थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज मिक्स कर दी है। मसाले में मैंने डाले हैं नमक, लाल मिर्ची जो मोटी कुटी हुई होती है वो वाली, आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। बस इसको अच्छे से मिक्स करके रख दिया और ब्रेड के किनारे हटा देते हैं जिससे कि रोल होने में आसानी हो जाएगी। इन किनारों को हम यूज कर सकते हैं ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए, तो उसको मैंने तवे पे रख दिया है, वो धीरे धीरे सीखते रहेंगे। तब तक हम ब्रेड तैयार कर लेते हैं। ब्रेड के स्लाइस से जो किनारे हटाए थे वो सेक रहे हैं तवे पे। अभी ब्रेड को हम बेलन से थोड़ा चपटा कर लेंगे, पतला भी करेंगे और बिल्कुल अच्छे से दबाते हुए रोटी की तरह हो सके जितना पतला कर लेंगे, क्योंकि ऐसा करने से जब हम रोल करेंगे तो ये ब्रेड टूटेगा नहीं। ये देखिए काफ़ी पतला हो गया है, इसी तरह से बाकी ब्रेड भी तैयार कर लेंगे। ये जो चटनी मैंने बना के रखी थी इसमें धनिया मिर्ची और थोड़ा सा दही डाला था, इसको भी सभी ब्रेड पे हम थोड़ा थोड़ा लगाएंगे, इससे अच्छा चटपटा वाला टेस्ट आएगा। आपको अगर मिर्ची कम पसंद है तो मिर्ची कम डालिए, लेकिन चटनी से टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। साथ में मैं इसमें टोमेटो केचप भी लगा रही हूँ, जब खाएंगे तो अलग से लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पनीर घर में हमेशा नहीं होता है तो उसकी जगह आप प्याज शिमला मिर्च में थोड़ा सा दही डाल सकते हैं, दही में ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। चटनी और सॉस लगाने के बाद हम किनारे पे थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाएंगे जिससे कि जब हम रोल करेंगे तो आसानी से चिपक जाएगा, फिलिंग बाहर नहीं आएगी। अब इन ब्रेड को हम जो फिलिंग तैयार करके रखी थी पनीर वाली, वो ब्रेड पे लगाएंगे और रोल कर देंगे। ब्रेड के किनारे पे मैंने थोड़ा थोड़ा पानी लगाया था जिससे कि वो चिपक जाए अच्छे से और ये पूरा बाहर नहीं निकलेगा। बहुत इजीली रोल हो जाता है, ये देखिए पानी लगाया था इसलिए चिपक भी आसानी से जाता है और इसका मसाला बाहर नहीं निकलेगा। सारे ब्रेड इसी तरह से तैयार कर लेंगे हम और तवे पे रख के सेक लेंगे। तवे पे घी या तेल लगा के इसको चारों तरफ से उलट पलट के ब्राउन होने तक सेक लेंगे। फटाफट बनता है नाश्ता, शाम को चाय के साथ भी खा सकते हैं, सुबह के टाइम में भी खा सकते हैं, बनता भी जल्दी है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अब देखिए ब्रेड रोल तो तैयार हो गए हैं, आप चाहें तो इनको टोमेटो सॉस के साथ में, चटनी के साथ में, चाय के साथ में कभी भी खा सकते हैं। जल्दी बनते हैं, टेस्टी होते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।